बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अलावा वो कौन से नबी हैं कि जिनके दो जाती नाम हैं? सही जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा और मसीह। बनी इसराइल की तरफ सबसे पहले किन को अल्लाह ताला का नबी बनाकर भेजा? सही जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। क्या आपको मालूम है कि तारीख का वो कौन सा दिन है जिस दिन 6 ईदें जमा हुई? सही जवाब है 9 जिलहज, 10 हिजरी बामुताबक 25 दिसंबर बरोज जुमा। ये वो दिन है जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुतबा जुमा हिज्जतुल विदा फरमाया। उस दिन 6 ईदें हुई, यानी 25 दिसंबर ईसाइयों, यहूदियों और मजूसियों की ईद, मुसलमानों के लिए जुमा का दिन वो ईद, हज का दिन वो ईद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दीद की ईद। ऐसी ईदें आज तक नहीं हुई। क्या आपको मालूम है कि कोहे सिफा का नाम सिफा क्यों रखा गया? सही जवाब है क्योंकि इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह बैठे थे। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस नबी का लकब शेखुल अंबिया है? सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा? सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान को देखकर। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में सबसे पहले शराब पर सजा किसने जारी की? सही जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस नबी को आग में डाल दिया गया था? सही जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।